नमस्कार, culture.com के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बेसन के लड्डू बनाना बताऊंगी। बेसन के लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई होती है और इसे बनाना भी बहुत आसान होता है। इसे बहुत दिनों तक रख के खा सकते हैं, ये जल्दी खराब नहीं होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या इन्ग्रीडियंट पड़ते हैं। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप बेसन। इसमें हम थोड़ा मोटा वाला बेसन यूज करेंगे। 1 कप चीनी, जिसे हमने पीस के पाउडर बना लिया है। 4-5 इलायची, इसे भी हम पीस के पाउडर बना लेंगे। करीब 10-12 बादाम, इसे काट के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। और 1 कप घी। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में घी डाल के गरम करते हैं। घी गरम हो गया है, इसमें बेसन डाल देंगे। आंच को धीमी कर देंगे। धीमी आंच पे बेसन को ब्राउन होने तक भूनना है। अभी जो बेसन ये पीला सा दिख रहा है, अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तब इसे भूनना है। बेसन भूनते हुए करीब 20 मिनट हो गए हैं, इसका रंग बदलने लगा है। इसे भी हम 10 मिनट करीब और भूनेंगे, इसे थोड़ा और ब्राउन हो जाए। इसको हमें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। आंच धीमी रखनी है। बेसन हमारा भुन गया है, इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब इसमें हम बादाम मिला देंगे, कट के रखे हैं जो हमने, और इलायची पाउडर में मिला देंगे। इसको डाल के हमें 1-2 मिनट तक भूनना है, फिर हम गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करके इसे बेसन को अच्छे से ठंडे होने देना है। उसके बाद ही हम इसमें चीनी मिला के लड्डू बनाएंगे। हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। बेसन ठंडा हो गया है, अब इसमें हम पिसी हुई चीनी मिला देंगे। चीनी डाल के इसको अच्छे से मिला देना है। इसे मिला के फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे। हाथ से अच्छे से मल के मिलाएंगे। चीनी और बेसन अच्छे से मिल गया है, अब हम इसके लड्डू बांधेंगे। बेसन के लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। इसे कटे हुए बारीक पिस्ते से गार्निश करें और सर्व करें। इसे आप 10-15 दिन तक ऐसे ही बाहर रख के खा सकते हैं, ये खराब नहीं होंगे।